फिल्म तो देखे ही होंगे शोले, इसमें कहा गया है कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, और कई दर्शक जो है इस फिल्म को देखे होंगे, तो उसी से रिलेटेड कुछ बात को आज हम बताते हैं। एक होता है देहाती कुत्ता और एक होता है अपना जो है पालतू कुत्ता, जिसको लोग अभी पाल रहा है, बड़ा शौक से पालता है, कभी कार में, कभी बेड पे, कभी कहीं सुला के जो है रखता है। तो दो तरह के कुत्ता, अपना जो देहातिया कुत्ता होता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कहीं पे जाता है पेशाब कर देता है, कहीं पे गया पेशाब कर देता है, गहूँ पसरल था आके पेशाब कर दिया, आदमी को पता नहीं चल रहा है कि गहूँ पे पेशाब करके चला गया, कभी गाड़ी पे, गाड़ी रुका हुआ गाड़ी पे आके पेशाब कर दी, कभी साइकिल रुका है साइकिल पे पेशाब कर दी। पेशाब करने के पीछे वजह है कुत्ता का। कुत्ता पेशाब जब करता है तो वह उसका एरिया होता है, जिस एरिया में वो रहता है उस एरिया में पेशाब कर दिया, मतलब वो उसका अपना एरिया हो गया, हम एरिया बना लिए हैं इसको, वही एरिया में हम रहेंगे, दूसरा कुत्ता उस एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि उसका जहाँ दूर तक, जितना दूर तक पेशाब किए हुआ है वो उसका एरिया हो जाता है, उस एरिया तक उसकी क्षेत्र हो गया। बाई दफे कोई दूसरा एरिया का कुत्ता आके उस एरिया में पेशाब करने का कोशिश किया, बस दूसरे कुत्ता को पता चला एकदम भौंकना शुरू कर देता है। अब कहिएगा क्या होता है, तो कई बार क्या स्थिति देखते हुएगा कि गाड़ी जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, कुत्ता पीछे से भौं 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 करना शुरू कर देता है। क्या होता है उसमें, उसमें इसलिए होता है क्योंकि गाड़ियों को दूसरा कुत्ता पेशाब कर जाता है, और गाड़िया डिफरेंट एरिया से होकर घूमते हुए आता है, अलग अलग एरिया से घूमते हुए चले जाता है। जब दूसरे एरिया में घूमता है तो उस एरिया में दूसरा कुत्ता को लगता है, उसको स्मेल लग जाता है, सुगंध है, उसका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है, तो उसको सुगंध लग जाता है कि दूसरा एरिया का गाड़ी आ गया है और दूसरा एरिया का कुत्ता, इसलिए कुत्ता जो है उसका भौंकना कर देता है। ये नेचर है। ऐसे हम लोग बात जो कर रहे थे कि दो तरह के साइकिल होते हैं, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है ऑस्टियल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि 13 वर्ष के उम्र के बाद कुछ प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स मतलब जिसमें ब्रीडिंग होती है, जैसे ह्यूमन हो गया, चिंपांजी हो गया, लंगूर हो गया, बंदर हो गया, इसमें 28 दिनों के बाद हर मंथ जो है ओवम रिलीज होता है। लेकिन इस साइकिल में क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे गाय में, भैंसी में, कुत्ता में, बिल्ली में, तो कुत्ता और बिल्ली सब में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता बल्कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि हमेशा ये बच्चा भी जन्म नहीं देता है, तो बच्चा देने का एक टाइम होता है, जैसे अभी ठंडा का टाइम है, ठंडा का टाइम है, जगह जगह पर देखते हुए कि मेल फीमेल जो है इकट्ठा हो जाता है, एक फीमेल है 10-15 पूरा एरिया का कुत्ता जो है इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसको सेंस लग जाता है सारा एरिया का कुत्ता 2-3 फीमेल के पास जो है आके इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसका टाइम है, सीजनल ब्रीडर का टाइम। सीजनल ब्रीडर में क्या होता है, तो सीजनल ब्रीडर में क्या होता है कि सीजन के हिसाब से ब्रीडिंग करता है, जैसे कुत्ता का ब्रीडिंग ठंडे में होता है, तो ठंडा के मौसम में खूबसूरत 2-3 फीमेल जो है अपना फीमेल कुतिया जो है अपना घूम रही है, अब बगल से जो है पूरा एरिया का, एक एक एरिया का 4-5, 10-15, 20 कुत्ता जो है पहुंच जाता सुनते सुनते, ठीक है। और दूसरा एरिया का कुत्ता अगर आ गया तो सारा का सारा पीला कुत्ता जो है उसको जो है खैर नहीं मनाता है, पूरा काट कूट के निहाल कर देता है, खून तुन भा भा के जो है बहने लगता है। इसलिए होता है क्योंकि वो सिग्नल ब्रीडर है, उसका अपना एरिया बना हुआ है। तो पहला बात हमने क्या बताया यूरिन के बारे में, यूरिन में क्या होता है, तो यूरिन दूसरे एरिया में जाएगा तो इसलिए कुत्ता भोंकता है, आपको लगता है गाड़ी को काटने दौड़ रहा है, आपको नहीं काट रहा है, गाड़ी पे जो दूसरा कुत्ता पे जो पेशाब कर दिया था उस पे ये होता है। सीजनल ब्रीडर बता दिया कि ठंडा में ही वो ब्रीडिंग करते, ठंडा में ही बच्चा दे सकता है। ब्रीड, ब्रीड में दो तरह के ब्रीड हमने बता दिया, एक देहाती जिसका आवाज भी वोकल होता है, एक होता है आदमी को देखते हुए साइड पकड़ लेगा, पीछे से चिचियाएगा, जब आदमी जो उसके पास चला जाएगा डंडा लेके तो जो है और बोलना शुरू करेगा, तो वो केवल देखावटी है। और अपना जो कुत्ता होता है, अगर संजोग हुआ कि दूसरा कुत्ता अगर रह गया उस एरिया में, बनावटी कुत्ता, और अपना कुत्ता है तो वो कुत्ता को खैट खैट के उसके एरिया से बाहर कर देगा, ठीक है, काट कूट के निहाल कर देगा, मर्डर तर्डर सब हो जाएगा वहीं पर। तो ये हो गया कौन से ब्रीड, तो दो तरह की ब्रीड हो गया। तो इसमें आप आज जो अपने पढ़ा है ये कुत्ता के बारे में, ठीक है, जिसमें सीजन के हिसाब से ब्रीडिंग को देखे हैं, जिसमें ऑस्ट्रियस साइकिल को देखे हैं, जिसमें यूरिन का क्या होता है सो देखे हैं, और जिसमें अलग अलग तरह के ब्रीड होते हैं, जैसे एनसीसीएन है, ये है। लेकिन सब में आप सबसे अच्छा ब्रीड कहिएगा तो अपना देहतिया जो ब्रीड होता है, खाना मिला तो ठीक है, ना खाना मिला तो जे मिला रास्ता पैरा साइड उड में सबको जो है समेटले चल देता है, एक तरह से सफाई कर्मी का भी काम कर रहा है, लोगों से सहायता भी। कुत्ता का लार बहुत ही खराब चीज होता है, अगर कुत्ता आपको जीभ से चाटना शुरू कर दिया 10-15 तक चाट दिया, चाटते हड्डी तक दिखा देगा, हड्डी आपको निकाल देगा, अगर संजोग से कुत्ता अगर चाटना शुरू कर दिया, आदमी सोया हुआ था, एक कुत्ता चाटते चाटते उसका हड्डी तक पहुंचा दिया, तो इसका सलाइवा बहुत खतरनाक होता है, अगर बहुत दूर तक दौड़ गया था
करते रहता है, सारा सारा लेयर लार्ज जो है बाहर की तरफ गिरते रहता है, तो आपको लगता है कुत्ता पगला गया है। ऐसा नहीं होता है, कुत्ता पगलाता नहीं है, बल्कि वो दौड़ के आता है तो एरिया के बाद इतना ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, उसको मुंह खोल कर लेना पड़ता है, सलाइवा हो गया। कई बार आपको कुत्ता जब काट लेगा तो उसके सलाइवा आपके बॉडी के अंदर चल जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको आपको जो है वो अपना बॉडी का रेबीज वायरस को आपकी बॉडी के अंदर छोड़ देगा, जिससे बाद में व्यक्ति पागल हो जाएगा, कुत्ता की तरह ही करने लगेगा, कुत्ता की तरह ही भौंकेगा, कुत्ता की तरह ही एक्टिविटी करने लगेगा, कभी एक कान पकड़ेगा दूसरा का पान खींच लेगा, मतलब तरह तरह की एक्टिविटी, कभी कभी दया भी आएगा कि बेचारा कैसा है कुत्ता काट लिया, लेकिन ऐसा होता है। अब दूसरा चीज हो गया कि कुत्ता काटने वाले को पानी से डर लगने लगता है, पानी से जाने से डरेगा, ऐसा को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। जब पानी से डर लगने लगे तो कुत्ते काटने वालों का ऐसा लक्षण होता है, पेशाब करने गया, पेशाब करने है, दूध अढ़ाई घंटा तक पेशाब करिए रहा है, ठीक है, पानी देख के भागेगा दूर तक, ये सब जो बीमारी है कि कुत्ते काटने के वजह से होता है। तो आज का जो टॉपिक था कुत्ता से था, ऐसा और भी आएगा। कैसा लगेगा वीडियो, अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ छोटे टॉपिक के साथ उपलब्ध होते हैं। थैंक यू।